साइंस सैनिक को फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेक बुक सैनी में और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ चुका हूं सैमसंग गैलेक्सी A12 और सैमसंग ने स्मार्टफोन को बिना किसी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट के सीधा मार्केट में लॉन्च कर दिया है। सो आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या कुछ खास फीचर्स इस स्मार्टफोन में दिए गए हैं, साथ ही ये स्मार्टफोन हमें परचेज करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और अगर आप लोग सैमसंग गैलेक्सी A12 को लेकर इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। सैमसंग गैलेक्सी A12 में हमें दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, पहला 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,000 रुपए में और दूसरा 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,000 रुपए में। और यहाँ पे मेनली स्टोरेज का ही डिफरेंस है, इसके अलावा कोई और डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं कि फोन के साथ हमें बॉक्स में क्या कुछ कंटेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है, साथ में 15 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग अडाप्टर और टाइप सी की चार्जिंग डाटा केबल। इसके अलावा हमें बॉक्स में कोई भी कवर वगैरह देखने को नहीं मिलता। आगे बढ़ते हुए हम बात करें फोन के ऑल ओवर लुक और डिजाइन की, तो फोन जो हमें प्लास्टिक ब्रेडबोर्ड के साथ देखने को मिल जाता है, साथ ही बैक साइड में एक यूनिक पैटर्न दिया गया है मैट फिनिशिंग के साथ। और यहाँ पे जो कैमरा का कट आउट है, रिसेंटली सैमसंग F62 जो लॉन्च हुआ था सेम वैसा ही देखने को मिल जाता है। और देखा जाए तो जो फोन का ऑल ओवर लुक और डिजाइन है काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं फोन के साइड पोर्ट्स और बटन्स की। तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक 3.5mm का ऑडियो जैक, साथ में माइक्रोफोन, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिल जाते हैं। फोन के राइट साइड में चले तो ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर्स और ठीक नीचे पावर बटन और फिंगरप्रिंट सेंसर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। फोन के लेफ्ट साइड में यहाँ पे सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, दो नैनो सिम के साथ डेडिकेटेड एसडी कार्ड को यूज कर सकते हैं। और फोन में ऊपर की तरफ हमें सेकेंडरी माइक्रोफोन भी दिया गया है। आगे बढ़ते हुए हम बात करें फोन के डिस्प्ले की, तो फोन में 6.5 इंचेस की HD+ IPS डिस्प्ले मिल जाती है वाटर ड्रॉप डाउन नोच के साथ। और यहाँ पे जो बेजल्स और जो चिन्ह है वो थोड़े चौड़े जरूर से आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये सैमसंग मेनली जो है अपने डिस्प्लेस को लेकर जाना जाता है और यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट में डिस्प्ले की क्वालिटी आपको थोड़ा सा और बेटर जो है सैमसंग की तरफ से देखने को मिल सकती थी। और साथ ही आप यहाँ पे जो वीडियोज की क्वालिटी देख सकते हो काफी हद तक ठीक ठाक कह सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ जो है 720p रिजोल्यूशन तक ही वीडियोस देख सकते हो। बात करें फोन के सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर की, तो फोन जो है सैमसंग MIUI पे बेस्ड है जो कि एंड्रॉइड 10 पे ऑपरेट करता है। साथ ही फोन में MediaTek Helio P35 का प्रोसेसर दिया गया है। और गाइस यहाँ पे फिर से प्रोसेसर के मामले में सैमसंग थोड़ा मायूस करता है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे देखा जाए तो थोड़ी अपग्रेडेशन तो मिल सकती थी प्रोसेसर के मामले में। और यहाँ पे जो Helio P35 है 2 साल पुराना प्रोसेसर हो चुका है। हालांकि अगर आप डे टू डे लाइफ में नॉर्मली फोन को यूज करते हो तो काफी अच्छे ढंग से यूज कर पाओगे। गेमिंग की तो जैसे PUBG है या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी आप मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स के साथ इन्हें एंजॉय कर पाओगे। अगर फोन में बैटरी की, तो बैटरी के मामले में फोन में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, क्योंकि फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, साथ में 15W का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर। सो यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, साथ में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। अगर फोन की सिक्योरिटी की, तो फोन में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ फेस अनलॉक भी दिया गया है। और यहाँ पे जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है मुझे पर्सनली काफी सही लगता है, क्योंकि जब भी हम फोन को होल्ड करते तो डायरेक्टली हमारा थंब फिंगरप्रिंट सेंसर पे जाता है और ये काफी नेचुरल पोजीशन है। और बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर के अनलॉक स्पीड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैं अपना थंब फिंगरप्रिंट सेंसर पे रखता हूँ फोन अनलॉक हो जाता है, लेकिन हम इसे उतना फास्ट भी नहीं कह सकते, लेकिन डिसेंट स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। बात करें फेस अनलॉक की, तो यहाँ पे जो फेस अनलॉक है उसकी स्पीड हल्का सा मुझे स्लो लगी, क्योंकि जैसे ही मैं पावर बटन पे प्रेस कर रहा हूँ तो लॉक स्क्रीन की जो 1 सेकंड की झलक हमें कम से कम दिखाई देती है और उसके बाद फेस अनलॉक काम करता है। तो यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों परफेक्टली वर्क करते हैं, लेकिन जो स्पीड है वो हल्का सा स्लो है। और गाइस फाइनली चलते हैं फोन के कैमरास की तरफ। तो फोन के बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहां पे मेन कैमरा है 48MP का, 5MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा और 2MP का कैमरा मैक्रो मोड के लिए। और वहीं फ्रंट साइड में 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है वाटर ड्रॉप डाउन नोच के साथ। गाइस अभी आप फोटोज के सैंपल अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, जो फोटोज की क्वालिटी है वो डिसेंट मिल जाती है, साथ ही जो डायनेमिक रेंज है या फिर कलर्स वगैरह वो भी अच्छे ढंग से मेंटेन होते हैं। जो पोर्ट्रेट शॉट्स है वो भी काफी अच्छे निकल के आ जाते हैं और साथ ही जो सेल्फी कैमरा है उसकी परफॉर्मेंस भी यहाँ पे अच्छी देखने को मिल जाती है। सो गाइस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में आप फोन को थोड़ा अच्छा कह सकते हैं। सो चलिए हम चलते हैं फोन के कैमरा UI की तरफ। तो यहाँ पे हमें जो है फोन में टाई फोकस, फोटो मोड, वीडियो मोड देखने को मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे हम वीडियो मोड में अल्ट्रा वाइड एंगल को यूज कर सकते हैं। और चले हम मोड के ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमें प्रो, पेनारोमा, मैक्रो, फूड जैसे मोड्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें स्लो मोशन या फिर
टाइम लैप्स देखने को नहीं मिलता। और चलिए हम कैमरा की सेटिंग्स की तरफ, तो यहाँ पे हम रेयर कैमरा से 1080p तक वीडियोस शूट कर सकते हैं 30fps पे। और यहाँ पे हमें वाटरमार्क का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो है हम मैन्युअली अपने नाम से भी कोई वाटरमार्क वगैरह डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं। और गाइस फाइनली बात करें फोन के कुछ प्रोज और कॉन्स की, तो यहाँ पे जो फोन का कैमरा है, बैटरी है और जो डिजाइन है, उस मामले में मेरे को फोन काफी सही लगा, लेकिन जो डिस्प्ले है और जो फोन का प्रोसेसर है, यहाँ पे फोन मुझे थोड़ा सा वीक लगता है। फाइनल कंक्लूजन की बात करें कि 13-14 हजार में आप लोगों को ये फोन परचेज करना चाहिए या नहीं, तो अभी मैं आप लोगों को ये फोन रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इसे परचेज करें। वैसे जो सैमसंग है चाइनीज ब्रांड को एक अच्छी टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी 13-14 हजार की प्राइस रेंज में ये उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। क्योंकि जब भी हम सैमसंग जैसे ब्रांड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है स्ट्राइक करता है, और वो कुछ भी मेरे को ऐसा इस फोन में नजर नहीं आया। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और गाइस सैमसंग गैलेक्सी A12 को लेकर जो भी मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था वो मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। सो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही आप लोग मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं या फिर फोन के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टा और FB पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो स्क्रीन पे आप चैनल का लोगो देख रहे हैं यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।